रोनक आप एक कोच हैं, आप खुद की आपकी एकेडमी भी रन करते हैं, तो जब एज अ कोच आप दूसरे प्लेयर से डील करना और हीना से डील करना, क्या डिफरेंस आप देखते हैं उसमें, एक वाइफ को कोच करना और प्लेयर को कोच करना? हीना को कोच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नॉट जस्ट बिकॉज शी इज़ माई वाइफ, बट बिकॉज शी इज़ अ बहुत ऊँचे दर्जे की खिलाड़ी है। तो यही होता है ना कि हम 99% से 100% लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, 80 से 85 आना भी उतना मुश्किल नहीं होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये भी होता है बिकॉज हम पूरा दिन जो साथ में रहते हैं, उसके फ़ायदे भी हैं कि मैं हीना को, हीना मुझे इतनी अच्छी तरह से जानती है, पर एक आपको जो अपना स्पेस जो चाहिए होता है, तो वो स्पेस निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, बिकॉज उससे भी परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। जबकि बाकी जो प्लेयर्स हैं, अभी अपकमिंग बडिंग प्लेयर्स हैं, तो उनको इट्स ईजियर टू कोच देम, ऑब्वियसली देर इज़ मोर ऑफ एक रिस्पेक्ट का, एक फॉर्मेलिटी की बाउंड्री थोड़ी उसमें ज़्यादा होती है। तो जो चीज़ मैंने कही वो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट की बात नहीं है, बट बिकॉज हीना इज इतनी ऊँचे दर्जे की खिलाड़ी है, तो इट्स बट नेचुरल कि हीना भी मुझे अपना फीडबैक दे। तो ये मेन चीज़ है कि यहाँ पे विद अदर प्लेयर्स इज मोर ऑफ, मैं चाहूँगा कि वहाँ भी टू वे कम्युनिकेशन हो, बट इट्स मोर ऑफ अ वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम कोच टू द शूटर्स, जबकि यहाँ पे इट्स ऑलवेज अ टू वे कम्युनिकेशन है।